This conference will now be recorded. लास्ट ईयर जब यूपीएससी ने सवाल पूछा कि व्हाट इज इंडियाज रोल, व्हाट इज इंडियाज रोल इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जो नया एक का दुनिया में एक पूरा चेंज हो रहा है, उसमें इंडिया का रोल क्या है, तो इनडायरेक्टली सवाल क्या था कि व्हाट इज इंडिया वे ऑफ लीडरशिप एंड हाउ इंडिया विल अफेक्ट। ठीक, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हाउ इंडिया विल डिटरमाइन द आउटकम ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड हाउ इंडिया विल इन्फ्लुएंस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दो स्पेक्ट्रम है हमारे, हालांकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, लेकिन दो स्पेक्ट्रम है हमारे, जहां पर एक तरफ हम दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं और दूसरी तरफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहे हैं। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, अष्टादश पुराणानाम सारम व्यासेन कीर्तितम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणानाम व्यासम अष्टादश पुराणानाम सारम व्यासेन कीर्तितम पापाय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दो स्पेक्ट्रम है इंडिया की लीडरशिप के, एक स्पेक्ट्रम है जहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि दूसरे के परोपकार, दूसरे का हित करने से, दूसरे की हेल्प करने से बड़ी कोई पुण्य नहीं है, बड़ा कोई काम नहीं है, और दूसरे को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो पहला स्पेक्ट्रम है इंडिया वे ऑफ लीडरशिप का वैक्सीन मैत्री का स्पेक्ट्रम, पहला स्पेक्ट्रम है जहां पर हम SIDS स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस के लिए हम जो भी कर रहे हैं। तो अष्टादश पुराणानाम सारम व्यासेन कीर्तितम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। और दूसरा स्पेक्ट्रम है जहां पर हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहे हैं, जहां पर हम सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं, जहां पर हम इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म के अगेंस्ट में ग्लोबल कन्वेंशन बना रहे हैं, और उसे हम क्या कहेंगे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। यानी कि दुश्मनों का, जो दुष्ट लोग हैं उनका नाश करने के लिए, जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, मैं वहां पर, मैं श्री कृष्ण स्वयं को कह रहे हैं, यहाँ पर आप भारत को समझ सकते हैं, मैं हर युग में जन्म लूंगा, युग को आप क्या बोल दो, मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। यानी कि अगर सोमालिया कोस्ट पर पायरेसी होगी तो वहां पर भी इंडिया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में हेल्प करेगा, और अगर आपको लगेगा कि कोई यमन में, ओमान में, दुनिया भर के लोग फंसे हुए हैं, इंडिया वहां पर भी HADR करेगा। और जब आप इन दोनों स्पेक्ट्रम्स को मिला दोगे, जब आप इन दोनों स्पेक्ट्रम को मिला दोगे, तो हमारा जो एक्चुअल वो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। क्यों? क्योंकि सब सुखी तभी होंगे जब रक्षा भी हो रही होगी और जब उनका परोपकार, उनकी मदद भी होगी। ये है इंडिया वे ऑफ लीडरशिप का स्पेक्ट्रम, इन तीन श्लोकों में सविता हुआ। ठीक, और ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे आए, अगर आपने शुरुआत यहां से कर दी, वो खत्म, जो आपने पूरी बात बता दी है, इस पर, इन तीस चीज पर किताब भी लिखी जा सकती है, लेकिन ये तीन श्लोक, पहले वाले में बस इतना ध्यान रखिएगा, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मतलब उसका ये है कि 18 जो पुराण लिखे हैं वेदव्यास जी ने, उसमें लिखा यही है, उसका सार यही है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं और दूसरे को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनाय संभवामी युगे युगे, हर धर्म की, हर बार धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आऊंगा। और इन दोनों स्पेक्ट्रम्स को मिला करके, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर से लेकर के
और वैक्सीन मैत्री तक, पब्लिक डिप्लोमेसी तक, एचएडीआर ऑपरेशंस तक, जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का मामला खड़ा हो जाता है। तो आईआर केसेस के लिए बेस्ट मटेरियल सिर्फ ये तीन इशू, यहां से स्टार्ट करिए और इसी में आप अपने स्पेस जी को बांट दीजिए। ठीक, खैर, हाँ, दोनों का मतलब लगभग सेम है, यहाँ शाब्दिक अर्थ